में रहते हो, खाटू श्याम जी के पास जाना है, बट जा नहीं पा रहे हो समय के अभाव और आपको टाइम मैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके लिए मैं यहाँ पे नज़दीक दिल्ली में एक खाटू श्याम जी की मंदिर बना है, मैं उस मंदिर को दर्शन के लिए मैं आज निकला हूँ और उस बाबा का दर्शन करने के लिए जाना हूँ। लेफ्ट साइड में एक रोड जा रहा है और ये देखिए राइट साइड में भी कुछ लोग जा रहा है, राइट साइड में कर्नल बाईपास है, यहाँ से आप आगे जाओगे तो पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, अम्बाला, शिमला, कुल्लू, मनाली और इवन आप कश्मीर तक इसी रोड से ही आपको जाना है आगे। यहाँ से दो रोड डिवाइड हो रहा है, एक नीचे जा रहा है, देखिए ये बस जा रहा है। आपको अगर खाटू श्याम जी की दर्शन करना है इसी रोड पे यहीं से आपको नीचे जाना है। मैंने इसी रोड से आया था, ये जो कर्नल बाईपास ऊपर है मुझे राइट साइड में टर्न लेना है और आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है टाटा मोटर्स, लेफ्ट साइड में टाटा मोटर्स है और राइट साइड में आपको अंडरपास मिल जाएगा, यहाँ से आप राइट टर्न लेकर के और फर्स्ट लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, यहीं से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, जैसे अंडरपास से आ गया एंड लेफ्ट टर्न, जैसे आपने अंडरपास से राइट टर्न ले लिया एंड फर्स्ट लेफ्ट टर्न ले लिया, तुरंत आपको ये राधा किशन हनुमान मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है, मैं एक बार इस मंदिर को भी एक बार विजिट करके देन आगे फर्दर जाऊंगा खाटू श्याम जी की मंदिर दर्शन के लिए, तो एक बार मैं इसका कॉम्प्लेक्स में मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। आप जैसे ही एंट्री करोगे ये जो व्यू ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है। यहाँ पे भी कुछ समय आप दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर है। देखिए दोस्त बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है, जय बाबा हनुमान जी की। ये लेफ्ट साइड का बगीचा और यहाँ का लोकेशन देखिए, बहुत ही पेड़ पौधा संत वातावरण पे आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। अभी दोस्त हम पहुँच गए हैं, ये देखिए ये मेरा सामने खाटू श्याम धाम दिल्ली, और इस जगह का जो असली नाम है, राइट साइड में ये रोड जा रहा है आपको पानीपत सोनीपत का रोड, यही रोड है, रोड पर जा रहा है मेन रोड है, उसका ऑपोजिट साइड में है अलीपुर, और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कोई दिक्कतें नहीं है, आप मेट्रो से जा सकते हो, मेट्रो यहाँ से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है नज़दीक, सबसे नज़दीक जो है, लेकिन वो 8 से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे है नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है। बस में आना चाहते हो यहाँ पे अलीपुर बस स्टैंड है, 1.5 किलोमीटर दूर पे है, और वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा द्वारा पहुँच सकते हो। तो मेरा सामने एक भाई साहब है ऑटो रिक्शा, उन्होंने बैठा है, मैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ फर्दर, अगर उनका तरफ से अगर कोई ज़्यादा खास जानकारी है तो। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर चौधरी। आप बताइए आप कुछ खास जानकारी देना चाहते हो, क्या है ये? दिल्ली खाटू श्याम धाम है, दिल्ली धाम से खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, ये बहुत मशहूर है, काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी दर्शक आते हैं जो भी यहाँ पे देखते हैं अपने, क्योंकि अंदर जाते हैं थोड़ी सी लाइन लगती है, आधे एक घंटे की लाइन भी लगती है, और यहाँ पे प्रसाद भी मिलते हैं,
बहुत से भक्त आते हैं जो बहुत दूर दूर से भी आते हैं बाहर से, जिसने खाटू श्याम का नाम सुन रखा है उनको सारी पता है। यहाँ भी लोगों को इतनी जानकारी नहीं कैसे आया जाए। यहाँ से आने के लिए नज़दीक मेट्रो स्टेशन जो है वो है यहाँ पे आपका जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और बस से आना चाहते हैं तो कहीं से भी आप मुकरबा बाईपास पे उतर के फिर वहाँ से ऑटो द्वारा या बस द्वारा आप अलीपुर आ सकते हैं। अलीपुर यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है, अलीपुर बस स्टैंड। अब ये जो खाटू श्याम धाम है ये पानीपत पाली रोड पे करनाल बाईपास पे मुकरबा चौक से 5 से 6 किलोमीटर आगे है करनाल बाईपास रोड पे। तो काफ़ी लोग कहीं आने की कोई सुविधा नहीं, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ अंदर जो खाटू श्याम धाम बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे। जगह आप जाओगे तो आपको लगेगा हाँ जी बिल्कुल मैं खाटू श्याम में, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है अंदर जो। इसकी सुविधाएं बहुत आश्चर्यजनक सुविधा है, बहुत बढ़िया है। हर जगह पंखे और एसी लगे हुए हैं तो सारे आपको अच्छे लगेंगे, आप खुश हो जाएंगे भाई दिल्ली खाटू श्याम कुछ है। ओके धन्यवाद। ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आना चाहते तो ऑटो द्वारा तो कितना पैसा लग सकता है? ऑटो में 120 रुपये के आसपास कुछ जानकारी में है। इसीलिए हम तो होटल नहीं है सर, यहाँ पे होटल आपको या तो जहांगीरपुरी आज़ादपुर में मिलेंगे या फिर अलीपुर में हो सकते हैं। बाद में यहाँ पे काफ़ी बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल काफ़ी इस रोड पे काफ़ी बैंक्वेट हॉल वगैरह हैं, उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। अभी देखिए मेरा सामने है गेट नंबर 1 और पीछे राइट साइड में भी एक गेट है गेट नंबर 2। अगर आप खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कुछ मेंबरशिप कार्ड है, गेट नंबर 2 से आप जा सकते हो, अदरवाइज गेट नंबर 1 है, यहीं से आप विजिट करना है। और यहाँ पे देखिए ये जूता चप्पल आपको यहीं छोड़ना है, ये जो लेडीज लोग बैठा है ये टोकन दे देगा, जूता चप्पल रख सकते हो। और ये जो मोटरसाइकिल वगैरह है यहाँ पे देखिए, ये बाइक पार्किंग इधर है। और ये देखिए लोकेशन, यहाँ का एरिया एक बार दिखा देता हूँ। कार वगैरह पार्क करना है आगे सामने पार्क कर सकते हो रोड का ऊपर, और पार्किंग अलग से तो उसमें कुछ है नहीं है। बैग परमिटेड है यहाँ अंदर? नहीं, बैग लोड नहीं। हाँ ये देखिए 2 नंबर गेट है, जस्ट कॉर्नर पे है, एक राइट साइड में है और ये आपको लेफ्ट साइड में है। दोस्त अभी 2 नंबर काउंटर से मैं एंट्री किया हूँ, 1 नंबर गेट से नहीं, ये दिस VIP गेट है और स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है इस गेट से एंट्री के लिए। सबसे बढ़िया मेरे को खूबसूरत ये चीज़ लगा, देखिए यहाँ पे ई रिक्शा है, ये बैटरी द्वारा चलता है, ये यहाँ पे कई सारे सीट है अवेलेबल है। यहाँ से आप अंदर जाना है, अगर पैदल जा नहीं सकते हो, बुजुर्ग है या तो विकलांग, कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से आप जा सकते हो। जैसे 4-5 यहाँ पैसेंजर हो जाएगा, ये आगे जाएंगे बाबा का दर्शन कराने लेके जाएंगे, तो बहुत बढ़िया सुविधा है भाई साहब, धन्यवाद आपको। और ये सामने जो देख रहे हो ये भी वही चीज़ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, मतलब जा सकते हो। यहाँ का देखिए ये कालीन बिछा के रखे, ये घास आर्टिफिशियल घास है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी चलने के लिए इसको ऊपर से गर्मी का मौसम में, जैसे जो ये पत्थर है पत्थर गर्म हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इन्होंने ये बिछा के रखे, ये एक बहुत बड़ा सुविधा दिया है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स भी है, मैं कॉम्प्लेक्स बाद में विजिट करूँगा। ये देखिए भाई साहब चल दिए हैं, पैसेंजर एक ही मिला लेकिन वो चल दिया एक ले कर के। आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास में कहीं भी एरिया में रहते हो, तो इस जो खाटू श्याम जी की मंदिर है, धाम है, यहाँ पे एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोकेशन और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत एक आपको वातावरण देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आश्चर्य हो जाएंगे, दिल्ली में भी ऐसा एक धाम है यहाँ पे, देखिए ओहो। ये आ गए हम बाहर, अंदर में आप देखा होगा एक जनरल लाइन है और एक ट्रस्टी का अलग सा लाइन है, वहाँ पे पर्ची कटता है, पैसे नहीं लगता है, वहाँ पे एक पर्ची लेना पड़ता है, पर्ची के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। अगर एयरफोर्स या आर्मी नेवी या डिफेंस से रिलेटेड हो तो आप ट्रस्टी का जो काउंटर है उस काउंटर पे आप जा करके पर्ची बना के आप इजीली आप बाबा का दर्शन कर सकते हो। अदरवाइज आपको लेफ्ट साइड से आप देखा होगा लाइन एक जनरल काउंटर का है और वहाँ पे काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लग जाएगा बाबा का दर्शन के लिए।
मंदिर दर्शन के बाद आप जैसे बाहर आएंगे तो लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी आप विजिट करिए। यहाँ पे डेवलप हो रहा है अभी भी, देखिए काम चल रहा है। राइट साइड में 36 धाम पे अभी पहुँचा हूँ और राइट साइड में देखिए अभी कॉम्प्लेक्स चालू हुआ नहीं है, काम चल रहा है जोर शोर से। यहाँ पे कुछ महीने बाद आएंगे तो इसका जो लोकेशन ढांचा आपको पूरा बदल जाएगा। ये है 36 धाम। धाम, दिल्ली धाम, 36 घाट यहाँ बनने वाला है और इन्होंने जो क्लेम कर रहा है 8वां अजूबा बनने वाला है ये धाम। कुछ महीने के बाद ये जगह अभी काफ़ी डेवलप हो जाएगा और कुछ महीने के बाद अगर आप आते हो तो ये सारे जगह आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा। और फिलहाल बाबा का दर्शन करना चाहते हो तो दर्शन कर सकते हो। सैटरडे संडे और एकादश के दिन यहाँ पे काफ़ी रास रहता है। जैसे आपने फूड कोर्ट में आते हो, आने के बाद यहाँ पे देखिए गोवर्धन पर्वत, आपको किशन जी को जो उंगली में 7 दिन रखा था, आपको गोवर्धन पर्वत को सेम प्रेम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको देखिए बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, यहाँ पे भी थोड़ा सा विजिट करिए कि काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए गौशाला भी है, आपको देखने को मिलेगा कि इनका कान में अगर जो भी कुछ आप बताते हो जैसे लिखा हुआ अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोल कर पूर्ण करें, ये वही एरिया है। यहाँ पे देखिए अपना अपना जो भी अपना इच्छा है वहाँ पे उनसे बोलिए और आगे चलिए। ये देखिए लाइन यहाँ से शुरू होता है, जो जनरल लाइन की बात कर रहा था यहीं से, और काफ़ी लंबा लाइन है, आधा घंटा कम से कम आपको लगेगा अंदर जाने के लिए। और राइट साइड से आपको ट्रस्टी का अगर पर्ची है, मेंबरशिप है, देन राइट साइड में वहाँ से एक पर्ची बनेगा, पर्ची ले लीजिए और आराम से अंदर चला जाइए। जैसे कि मैंने अपना कार्ड दिखाया और अंदर चला गया था। अभी फिलहाल यहाँ पे जो पराठा काउंटर पे पहुँचा हूँ, मैं पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा दिया, आप देखिए लोकेशन यहाँ पे बता दिया हूँ और ये काउंटर पे पहुंचा हूँ। देखिए इन्होंने कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं, बताइए आप क्या जानकारी देना चाहते हो। जय श्री श्याम जी, ये हमारे यहाँ ताऊ जी का स्पेशल परांठा है, देसी घी का। हमारे संग परांठे के संग अचार है, रायता है और मक्खन है जी, और चटनी है जी सर। 100 रुपये का परांठा है हमारे यहाँ। 125 वाली थाली भी है सर हमारे यहाँ। अच्छा, जिसमें मटर पनीर, चटनी दाल, पेट भर के। हाँ जी, मखनी दाल भी है। ये क्या क्या आप दे रहे हो? अच्छा, मटर पनीर है। हाँ जी, कढ़ी है सर, दाल मखनी, राइस, राइस, और यहाँ पे क्या है? राजमा। ओके, आगे भी है ताऊ जी का परांठा, तो हाथ में छोले, मतलब आपको जो चाहिए ले सकते हैं। छोले चावल 50 रुपये, मतलब 50 रुपये में अलग अलग छोले चावल, राजमा चावल, जो भी लेना चाहते हो 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। और भी कुछ बताना चाहते हो? ये सर बटर के संग है, ये अभी हमारा पराठा। ये कितने का है? ये तंदूर से पराठा निकल के आ रहा है। ओके, 100 रुपये में कितना है ये सर? पराठा है, एक पराठा है। अच्छा, ये वाला एक है, ये सर पराठा है हमारा। अच्छा, स्पेशल पराठा 100 रुपये। हाँ जी, इसमें बटर लगाओगे? ये सर देंगे। अच्छा, इसको काटते हैं। अभी तो कोई ऑर्डर नहीं होगा इसका? नहीं, ऑर्डर का आया है, ऑर्डर का है। इस तरह काटा जाता है। ओके, इस तरह काट दिया हमने, 4 पीस हो जाएगा जी सर। VIP पराठा। अच्छा, इसको बोलते हैं VIP पराठा। VIP बटर के साथ और भी कुछ देते हो? हाँ जी, इसके साथ क्या रहेगा? ये चटनी आ गई सर ग्रीन। हाँ, मक्खन आ जाएगा, मक्खन आ गया सर, रायता आ जाएगा सर। अच्छा जी, जी सर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, गलीचा है, अब देखिए चलने फिरने भी काफ़ी आराम मिल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, और ये सामने देखिए पराठा उस्ताद जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? अली। कहाँ से आप हो? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली उस्मानपुर दूसरा पुस्तक। ओके, ये भाई साहब दिल्ली से, और ये देखिए स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का। तो जो भी हो, आपसे मिलकर बहुत खुश लगा, अच्छा लगा। ओके, चलिए और ये जानकारी दिया है, मेरे ख्याल से आपको ये जो जानकारी मिला आपको कुछ फायदा होगा। ये पराठा है। अच्छा, ये पराठा थाली हो गया। ओके, ये पराठा नीचे पराठा है,
मैं ये तो रायता हो गया अचार। अच्छा नीचे प्लेट है, प्लेट का ऊपर उन्होंने चार पीस बना दिया जी और सर, इसको आप जी एक साइड से खाइए और ये करिए, बहुत बढ़िया धन्यवाद। ये देखिए दूसरा काउंटर है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ये मेनू कार्ड थोड़ा सा पलटिए तो 125 रुपये में क्या मिल रहा है, ये स्पेशल थाली है 50 रुपये में। आपको ये देखिए देसी घी का आपको मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं छोले भटूरे। और ये क्या है भल्ला पॉप, ये 50 रुपये का। ये अलग अलग डिश आपको इस काउंटर पे मिल जाएगा। ये देखिए गुलाब जामुन आपको दो पीस मिलेगा 40 रुपीज़ का। और यहाँ पे देखिए गोलगप्पा आपको मिलेगा 30 रुपये का पांच पीस। ये किसका आटे का है और सूजी का है? सूजी का भी है, सूजी का भी है। और ये जो बर्तन है स्पेशल बर्तन देख रहा हूँ, ये कौन सा मिट्टी का होता है? ये चीना मिट्टी का होता है, चीना मिट्टी का होता है। अच्छा इसीलिए खट्टा चीज अच्छा रहता है। पांच तरह का पानी आप मिला के देते हो, क्या क्या पांच तरह का पानी? खट्टा मीठा हींग ऑरेंज नींबू। ओके पांच तरह का पानी आपको यहाँ पे मिलेगा 30 रुपया में पांच गोलगप्पे। गोलगप्पे बोलते हैं ना इसको, पूरी बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, फुचका बोलते हैं बंगाल में। हम बंगाल से हूँ और बंगाल में बोलते हैं इसको फुचका, ठीक है। हम फुचका खाते हैं, गोलगप्पा नहीं खाते। चाय भी मिल जाएगा आपको, भाड़ का चाय भी यहाँ मिल सकता है 10 रुपये में। समोसा भी मिलेगा 20 रुपये में। ये सारे चीज़ आपको खाने पीने का कोई कमी नहीं है इस एरिया में। आप आइए आराम से एक दिन घूमते हुए आइए, बाबा का दर्शन करिए और आगे जाइए। पूरा एक दिन समय ले लीजिए और घूमिए, आराम से घूमिए। प्रसाद काउंटर भी है यहाँ पे, प्रसाद भी ले सकते हो। और देखिए यहाँ पे भी एक सेक्शन है जहाँ पे बैठ के आप नाश्ता पानी भी कर सकते हो और कुछ ख़रीदारी भी करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। बाबा को अगर झंडा चढ़ाना है तो ये झंडा भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फूल चाहिए तो फूल भी मिल जाएगा। कितने का ये फूल है? 20 रुपये का एक फूल आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये थाली कितने का है? ये 150। अच्छा ये 50 का है, वो 100 रुपये का है। देखिए ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का, ये 200 रुपये का है। ओके तो आप अलग अलग रेट पे आप यहाँ पे ले सकते हो, बाबा का चरा सकते हो। ये जो है आपको 50 रुपये का इसको मिल जाएगा आपको। और ये मंदिर का टाइमिंग थोड़ा बताइए तो। मंदिर का टाइम सुबह 5 से शाम को 9 बजे तक है। ओके 5 से सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक इस मंदिर को आप विजिट कर सकते हो।